हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस सेफ्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। और आज हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा मंदी देखा गया है। ये मंदी को मंदी नहीं समझना है, ये एक मौका है। बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ी तेजी बाकी है और उस तेजी के लिए 21,900, 21,500 वर्स्ट केस सिनेरियो में 21,900 और 500 और आज का लो 10-12 बजे तक जो ऑलमोस्ट एक लो जो लगेगा, फिर से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो और आने वाले 29 और 28 तारीख तक तेजी के ही चांसेज है। बीच में एक करेक्शन का डेट है नेक्स्ट वीक में 17, 18, 19, 20, इस बीच में मीन्स यहाँ से जो तेजी बाउंस देखा जाएगा, मीन्स कि जो तेजी होगी अभी फिलहाल नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा और इस तरीके से ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करेगा 20 तारीख तक। और 20 तारीख के बाद, क्योंकि 17 को 16 को एक ट्रेंड रिवर्सल डेट है जो कि नीचे आने के चांसेज होगा उस केस में बाजार, लेकिन वो नीचे जो आएगा सब लोग वहाँ मंदी की बातें करने लगेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी तेजी आने के चांसेज है 20 तारीख के बाद। 20 तारीख के बाद बैंक निफ्टी में ही ज़्यादा तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर के स्टॉकों का, PSU में SBI का, बैंक ऑफ बड़ौदा का तेजी बहुत बड़ी बाकी है। तो इसको मंदी न समझ करके तेजी का ही सिम्टम समझना चाहिए। और जो 20 दिन का मूविंग एवरेज है 21,620 और 21,980, 13 दिन का मूविंग एवरेज, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। जैसे जैसे 20 दिन की मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, उसी मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगा करके आप इस स्टॉक को बैंक निफ्टी को बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये रही पोजिशनल व्यू। अब रही बात आज का जो इंट्राडे सपोर्ट है 21,990, नीचे का सपोर्ट है 21,990। अगर ये टूटता है तो 21,740, तो 21,000 मीन्स 22,000 पे फ्यूचर का लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 22,000 का लेवल नहीं टूटना चाहिए। अगर मिले तो वहाँ पे 22,000 का क्लोज 15-20 मिनट का 21,900, 21,750 तक का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ओवरऑल बैंक निफ्टी में फर्स्ट हाफ तेजी होने के बाद सेकेंड हाफ में जो करेक्शन होगा, फिर से इवनिंग के सेशन में मीन्स की 2:30 बजे के बाद, 2 बजे के बाद फिर से बाउंस आ जाएगा। तो ओवरऑल आपको अगर खरीदने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी भी है तो लगभग 2 बजे के आसपास, 2:40, 2:20 और 1:40 के बीच में अगर बॉटम मिलता है 22,000 के आसपास या उसके नीचे, तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी में जैसा मेरा व्यू है, पोजिशनल ब्रेकआउट जो वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट होने वाला है 22,737 के ऊपर और 22,060 के नीचे वीकली ब्रेकडाउन होने वाला है। तो अगर किसी कारणवश नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर कल के ट्रेडिंग सेशन में हम फिर से बाउंस देखेंगे। ओवरऑल बाइंग ऑन डीप और सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी आपको हमारे इस टाइम साइकिल के बेसिस पे पोजिशनली बाई ऑन रेंज बाउंड ट्रेडिंग होगा 22,900 और नीचे 21,700 के रेंज में होगा। 20 तारीख तक की रेंज होगा ये, जब भी ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन 23,200, 23,300 के बाद बैंक निफ्टी में एक बड़ी तेजी आएगी जो 20 तारीख के बाद और 29 तारीख के बीच में 25,000 भी होने के पूरे पूरे आसार है। तो बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल और इंट्राडे टाइमिंग मैंने एनालाइज कर दिया है। ऊपर बैंक निफ्टी जो ऊपर की तरफ चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो तेजी होगा 22,565 जो ब्रेकआउट लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा 650। यहाँ से फिर से अगर इसको नीचे आना है तो ये यहाँ से दोबारा 22,220 और 22,000 के आसपास से बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से देखे जाएगी। तो ओवरऑल अगर 22,625 आ गया और 22,565 की तरफ चल पड़ा तो फिर सेकेंड हाफ में जो गिरावट होगा वो गिरावट 22,200 के नीचे जाने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन 22,565 अपसाइड का लेवल नहीं टूटे और रेंज में ट्रेड करें 22,565, 22,300 के बीच में, तो फिर एक मौका मिलेगा आपको 22,165 और 22,000 के आसपास खरीदने का। फ्यूचर के लेवल है, फ्यूचर और कैश में मात्र 37 पॉइंट का डिफरेंस है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल 40 पॉइंट ऊपर नीचे जो भी रेंज में मिले तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी ढूंढना है।
सेल के लिए बिल्कुल भी नहीं ढूंढना है, क्योंकि यहाँ से जैसे बोला मैंने उसी तरीके से कैश के स्टॉक में रेन इंडस्ट्री को बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है आपको। पोजिशनली 20 दिन के पर्पज से रेन इंडस्ट्री 88 रुपये और 81 के स्टॉपलस लगा करके, 88 और 81 ये एक मेजर सपोर्ट है। मीन्स कि 88 टूट भी गया तो लास्ट 80 के आसपास एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, और उसको स्टॉपलस लगा करके आप खरीदते हैं तो रेन इंडस्ट्री में 140 रुपये का टारगेट पोजिशनली नेक्स्ट मंथ तक दिखता है। तो इसी तरीके से इंडेक्स के साथ साथ कैश के स्टॉकों का भी मैं बीच बीच में एनालिसिस करता रहूँगा, उन स्टॉकों पर पोजिशनली बाइंग करना है। मैं मार्केट को लेकर के बुलिश नहीं हूँ, लेकिन अब हम तेज़ी के लास्ट फेज में अगले 30 दिनों के लिए हैं, तो इस 30 दिन के तेज़ी में बहुत ही ज़ोर से तेज़ी होने के चांसेज है, जहाँ पे थोड़ी सी गिरावट पे लोग बेयरिश हो जाएंगे और वहीं से बाज़ार बहुत ज़ोर से चलेगा, उनको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए इस मंदी को मंदी ना समझ करके, मीन्स कि जो भी करेक्शन आएगा आने वाले साइकिल टाइम में, उनको बड़ी मंदी ना समझ करके एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, लेकिन अपॉर्चुनिटी स्टॉपलस के साथ और एग्जैक्ट टाइम और लेवल को फॉलो करेंगे तो आप पहले आप फंसेंगे नहीं। इसलिए इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।